बिजनौर खबर टीवी में आपका स्वागत है। बिजनौर के मोहल्ला चारशीदे B22 में आज मार्बल कंपनी के मालिक ने ईमानदारी की मिसाल पेश की है। आपको बता दें कि नितिन नाम की व्यक्ति की परचून की दुकान गंज में है, जो बिजनौर में सामान का पैसा देने आए थे, लेकिन रास्ते में बैग में 3,14,000 गिरने से नितिन काफी परेशान हो गया। रास्ते में पड़ा बैग आबिद ने देखा और 3,14,000 देखकर आसपास के लोगों से मालूम किया तो पता चला ये बैग नितिन का है। आज आबिद के द्वारा बैग लौटने पर बिजनौर में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश की। बिजनौर खबर टीवी ऐसे ईमानदार व्यक्ति को दिल से सलाम करता है। मेरा नाम मोहम्मद आबिद सिद्दीकी है। आबिद सिद्दीकी जी, बैग का मामला है, क्या पूरा बताइए। ये कल 11 बजे की बात है भैया, 11 बजे की घटना है ये। 11 बजे ये बहुत जल्दी में इधर स्कूटी पे इसके अपनी मोटरसाइकिल से जा रहे थे। मोटरसाइकिल से बैग इनकी इस वाली मोटरसाइकिल से नीचे गिर गया। हमारे लड़के ने उठाया बैग, वो घबराने लगा, भैया क्या है बैग। मैंने इसको खोल के देखा तो इसमें पैसे थे, पैसे मैंने इसमें कोई आईडी नहीं मिली इनकी। मैंने शहर के हर आदमी को इसको अवगत कराया, गणमान्य लोगों से बताया कि इसमें ऐसे पैसे हैं, 3,00,000 प्लस पैसे हैं इसके अंदर, मैंने गिने नहीं थे ये पैसे, अभी भी ऐसे ही पैसे हैं। और उसके बाद मैंने हमारे करीब में चावल की आड़त है, वहाँ मैंने जिक्र करा था तो ये शायद कल वहाँ आए थे पैसे देने अपने, तो वहाँ इनका इन्होंने कहा कि मेरी पर्स कहीं गिर गया या जेब कट गई, जो भी कुछ हुआ इनके साथ, मगर ये हमने ठाके कल से रख रखा है और हम परेशान थे इनको पैसे देने के लिए, हमें इसका कोई दुरुपयोग नहीं किया। नितिन कुमार, ये पैसे बैग का मामला है, क्या है पूरा मामला, प्रॉब्लम है भैया। मैं कल पेमेंट लेके बिजनौर आ रहा था, तो रास्ते में आते आते मैंने यहाँ पर किसान सेहत भैया किसान ट्रेडर्स के किसान ट्रेडर्स वाले, तो भैया जब मैं यहाँ पर पहुँचा मैंने देखा मेरा बाइक का बैग कट चुका है, तो भैया फिर मैं होपलेस होके घर तक गया, मैंने देखता जाता क्योंकि मुझे कहीं नहीं मिला बैग, तो भैया मैं बहुत परेशान हो गया, पूरे दिन बहुत दुखी रहा मतलब। फिर सुबह मुझे पता चला कि आप इस बाइक को मेरा बैग मिल चुका है जी। तो कितने पैसे थे बैग में? 3,14,000। तो कैसा लग रहा है आपसे पैसे? बहुत अच्छा लग रहा है। अब क्या कहना चाहते हैं आप? आप इस भाई का बहुत शुक्रगुजार हूँ।